धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय जी, आपने आज मुझे रेल बजट पे बोलने का अवसर दिया। मैं दो पंक्तियों से अपनी बात शुरू करना चाहूंगी कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है बार बार, तब जाके आशियाना बनता है एक बार। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी माननीय रेल मंत्री जी को कि पहली बार इतिहास में मदरली टच के साथ रेल बजट प्रस्तुत किया गया है। मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि जैसे एक माँ अपने बच्चे का छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती है, उसी तरीके से हमारे मंत्री जी ने रेल बजट प्रस्तुत करते वक्त छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा गया है, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही बड़ी बनती हैं। इसीलिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। मैं जानती हूँ समय कम है, इसीलिए ज़्यादा मैं डीपली नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरे सब माननीय सदस्यगणों ने ये बात बार बार दोहराई है, और फिर एक बार बधाई देना चाहूँगी। और मैं अपने संसदीय क्षेत्र लोकसभा मिश्री की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहूँगी। माननीय रेल मंत्री जी बहुत ही योग्य और समर्थ नेता हैं, उन्होंने भारतीय रेल और रेल यात्रियों के लिए हित में कई कदम उठाए हैं। मैं उनका ध्यान अपने संसदीय निर्वाचित क्षेत्र मिश्री की ओर आकर्षित करना चाहूँगी, जहाँ पर अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ। मैं आपसे बहु उम्मीद करती हूँ, मैं अपने क्षेत्र की जनता के हित में आपसे कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। हमारे यहाँ संडीला और बालामऊ रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर रेलवे ओवरब्रिज ना होने के कारण घंटों ट्रैफिक जाम रहता है। मैंने ये बात शून्यकाल में भी उठाई है, तो मैं चाहती हूँ आप इस पर जरूर ध्यान दें। और संडीला और बालामऊ में ओवरब्रिज के डिमांड मैंने पहले भी जैसे कि कहा की है और अभी भी कर रही हूँ। मलावा में प्लेटफार्म को तत्काल अपग्रेड करने की जरूरत है। कानपुर जिला के अंतर्गत बिलोर रेलवे स्टेशन को भी अपग्रेड करने की जरूरत है, और उसे निवेदन करना चाहूँगी कि बी कैटेगरी का स्टेशन घोषित किया जाए, ताकि जहाँ की रेल यात्रियों के लिए सुविधा में बढ़ोतरी हो। बालामऊ रेलवे जंक्शन, जहाँ से कई स्थानों के लिए रेलगाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन कुछ रेलगाड़ियाँ का स्टॉपेज जहाँ ना होने के कारण यात्रियों को काफी असुविधा होती है। अतः रेल मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि बालामऊ से गुजरने वाली नौचंदी एक्सप्रेस और मुगल सराय एक्सप्रेस को बालामऊ में स्टॉपेज दिया जाए। इसी के साथ कानपुर से जम्मू तक चलने वाली जम्मू तवी एक्सप्रेस तथा कानपुर से अमृतसर चलने वाली अमृतसर एक्सप्रेस को माधोगंज में स्टॉपेज दिया जाए। वर्तमान में कानपुर से सीतापुर बाया मलावा एक पैसेंजर ट्रेन चलती है, लेकिन इस रूट पर रेल यात्रियों की संख्या सिर्फ एक मिनट संख्याधिक होने के कारण इसमें बहुत अधिक भीड़ रहती आता। इस रूट पर एक और पैसेंजर ट्रेन चलाई जाए। पूर्व में कानपुर से दिल्ली बाया मलावा सीतापुर एक एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, जिसे बंद कर दिया गया है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है, उसे उनसे अनुरोध है कि उसे चलाया जाए। आपसे यही कह के फिर एक बार बधाई देती हूँ और इसका समर्थन करती हूँ।